हम अपने लोक के घर से जब बाहर निकलते थे तो हमारे सामने बाबा यहाँ पास होते थे, तो हमने देखा कि ये कोई बहुत उच्च व्यक्ति है, इसमें कुछ पावर है, तो मुझे आकर्षण हुई। मैंने अपने माँ बाप को बोला कि मैं अब इसके सत्संग में जाती हूँ। तो फिर मुझे सत्संग में लेके चले, बस वहाँ मैंने बाबा को देखा, समझा बाबा कोई बहुत बहुत कोई ऊंची व्यक्ति है और इसमें कोई बहुत पावर है। बाबा की जो मुरली चलती थी इतनी फास्ट चलती थी, फिर मैं उसका नोट्स लिखती थी। अभी बाबा की मुरली फास्ट लिखूं भी कैसे। फिर मैंने अपने निशानियां बनाई, जैसे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, तो उसका भी सिर्फ दृ रखा, सृष्टि तो सिर्फ किया शॉर्ट एंड राइट। तो वो सब मैंने अपने दिल से, प्यार से, बहुत प्यार से वो सब नोट किया, और कोई नहीं था जो बाबा का वो नोट कर सके, क्योंकि बाबा की बहुत फास्ट मुरली चलती थी। फिर वो मैं निशानियां डाल डाल करके, ये भी बाबा की टचिंग, फिर मैं वो फिर नोट करती थी। फिर मामा कहती थी कि जो सुनना है वो आकर के यहाँ सुनाओ, फिर मैं सुनाती थी कि आज बाबा ने ये बातें सुनाई। फिर बाबा के पास हम जाते थे क्लिफ्टन पर, क्योंकि बाबा अलग रहते थे, हम अलग रहते थे। फिर हम बाबा के पास जा कर के बाबा से मिलते थे, हंसते थे, बैलते थे, और बाबा हमें बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें सुना करके हमें बहुत खुश करते थे। हम कहते थे बाबा ने, बाबा आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, हमने सब नोट की है। फिर मम्मा कहती थी आकर के ये सुनाओ यहाँ। फिर आकर के जहाँ मम्मा रहती थी उसी भवन में मैंने वो सब सुनाया, तो सब तालियां बजाने लगी कि वाह बाबा ने तो बहुत अच्छा सुनाया। तो इसी तरह से हमको बहुत 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 खुशी होती थी कि बाबा के पास मैं ये आई हूँ, मुझे बहुत मेरा सौभाग्य है जो मैं बाबा के पास आकर के इतनी, बाबा कहते थे सदैव खुशियों में रहो, खुशी जैसी खुराक कोई नहीं है, कभी भी कोई बात में भी नाराज नहीं होना चाहिए, सदा खुश रहो, नाचते रहो, हंसते रहो, उड़ते रहो। तो हम भी उसी खुशी में नाचते हंसते बैलते रहते थे। हमारी छोटी उम्र थी, 7 बरस की थी, लेकिन आते ही बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, बाबा ने कहा अब तुम हमारे साथ ही। फिर बाबा पैदल करने जाते थे तो भी बाबा साथ में ले चलते थे। हम पांडव भवन से पीस पार्क तक पैदल जाते थे, पहाड़ियों से चढ़ चढ़ के, क्योंकि उस समय तो जवानी थी ना, तो हम पीस पार्क में जाते थे, फिर वहां जा कर के चेरी केरी खाई, खुश हो गए, बाबा साथ में था तो खुशी होती थी। एक दिन हम बाबा के साथ पांडव भवन से शांति वन तक पैदल उतरे, ऊपर से
फिर रात्रि को एक स्कूल में रेस्ट किया। फिर सवेरे उठे, बाबा कहते थे चलो माउंट अबू। उन दिनों में अबू में कोई गाड़ी नहीं थी, बूढ़ी दादी बैल गाड़ी में जाती थी सब्जियां लेने और ले आती थी। हम लोग, बाबा कहता था इतने बड़े बड़े पेठे हैं ना, वो पेठे सिर पर रख करके चलो खुशी में। कोई भी गिरा तो हम कहेंगे फेल, तो उसी खुशी में हम तो बहुत बहुत खुशी से वो पेठा भी सिर पर रख करके चलते थे। तो शांतिवन से माउंट तक पैदल चले, बाबा भी साथ में था। फिर बस स्टैंड तक मम्मा आती थी, आकर के गुलाब जल डालती थी कि इतना मेहनत करके आए हैं, तो बाबा गुलाबाशी मम्मा डालती थी। ऐसे खुशी खुशी से हम रहते थे। भाग्य था जो मैं बाबा के अक्षर पढ़ सकती थी, और उसके ऊपर जिसके पास हिंदी में जानना होता था तो हिंदी में लिखती थी, और जो सिंधी पढ़ने वाले होते थे उसके ऊपर मैं सिंधी अक्षर लिखती थी, बाबा लिखवाता था। उसी खुशी में कोई हम ये कैसे करेंगे कैसे चलेगा, बाबा कराता था। उसी खुशी में हमने सब कुछ किया। और फिर ये भी होता था कि बाबा का हम एक भी अक्षर मिस नहीं करें, फिर अपनी इनिशियल बनाई, जैसे सृष्टि तो बस ऐसा किया, धृतराष्ट्र तो ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके हम सब सीख गए। और फिर बैठ करके एक एक बाबा की मुरली लिखते थे कि सबके पास जाएंगी। बाबा कहता था 11 बजे पोस्ट जाने वाली है, आपको 11 बजे तक ये मुरली लिख करके तैयार करनी है तो हम पोस्ट करेंगे। भले स्नान नहीं करो, पहले ये काम करो, क्योंकि पोस्ट 10 बजे जाने वाली। तो हम उसी खुशी में बाबा ने कहा तुमको करना ही है, तो हमने किया। वो लिख करके फिर भेजते थे, और बाबा कहता था देखो मम्मा को वो पोस्ट पहुंचेंगी, मम्मा पढ़ेंगी, मम्मा फिर औरों को सुनाएंगी, कितनी सेवा होंगी। तो हम बहुत खुशी से वो करते थे। पापा कहता था सदैव खुशियों में रहो, कभी भी मूड ऑफ नहीं, कोई ने कुछ भी कहा सुनो ही नहीं, वो हमेशा बाबा को याद करो, उड़ते रहो उड़ाते रहो। तो हम भी उसी खुशी में उमंग में नाचते रहते थे। बाबा ने कहा आपको गंभीर रहना है, जो बाबा सुनाता है वो ही सुनो, वो ही सुनाओ, फिर और कुछ भी नहीं। सदैव खुशी में नाचते रहो, हंसते रहो, बहलते रहो, कभी भी मुरझाना नहीं है, रोना नहीं है। तो ये मुझे बातें बहुत 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 अच्छी लगती थी। मैं समझती थी कि ये तो हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर। एक दिन बाबा ने फरमान किया कि 15 दिन हमारे इस मकान के अंदर कोई भी बाहर का न जमादार आ सकता है, न ड्राइवर आ सकता है, न जमा कोई भी बाहर का आदमी नहीं आ सकता है, गेट बंद, ताला लगा दो, सब कुछ आपको अपने हाथों से करना है, ड्राइवर भी नहीं आ सकता। तो फिर एक दिन वहां बड़ी बस थी, तो बाबा ने कहा अब इस बस का भी सेवा आपको करनी है। तो हम बस के नीचे सो करके
सारी सफाई की और काले कपड़े बंद करके थे। फिर जब बाहर निकलते थे काले भूत हो करके निकलते थे। फिर वो उतार के स्नान पानी करके फिर बाबा कहता था अभी हमारे पास क्लिफ्टन पर आओ पिकनिक आ करके करो। तो उसी खुशी में हम उठते रहते थे, जो बाबा कहता था हम करते रहते थे प्रकाश मणि के साथ। तो हम सब जैसे कि मैं उनका राइट हैंड थी, दादी ने मुझे सिखाया तुमको बहुत गंभीर रहना है, कोई भी बात किसको सुनानी नहीं है। दीदी दादी सब हमारे साथ थे, हम बहुत खुशी से उन्हों के साथ रहे। खुशी में दीदी क्या करती थी, साड़ी होती थी नहीं, प्रेस करने के लिए नहीं भेजती थी, लपेट के जिस कुर्सी पर बैठती थी वहां रखती थी, उसके ऊपर खुद बैठ जाती थी तो साड़ी प्रेस हो जाती थी। तो ये भी एकानामी बाबा ने सिखाई कि सब कुछ अपने हाथ से करना है, ये आधार नहीं रखना है कि धोबी आएगा धुलाई करेगा ये प्रेस करेगा। बड़े बड़े घर की क्वीन मदर इतनी बड़े घर की थी, वो पाई पाई का हिसाब लिखती थी। मैं कहती थी दादी दीदी आप ये क्यों लिखती हो, आप तो मालिक हो घर के, इतने घर के पाई पाई का हिसाब क्यों? कहती है नहीं मैं बाबा को पाई पाई का हिसाब दूंगी, ये खर्च मैंने किया ये किया ये किया। मैंने कहा ये तो वंडर है, जब कि दरकार ही नहीं है, बाबा थोड़ी कहते हैं कि आप लिख करके दो। तो ऐसे ऐसे हमने पास किया। दीदी मुझे सब जगह साथ में ले चलती थी, तो पहले मैं बोलती थी फिर दीदी बोलती थी, फिर दीदी बीच में रुक जाती थी तो फिर मैं थोड़ा बोल करके सभी को सुनाती थी। ऐसे ही चलता था, ये तो चलता ही रहेगा ना। एक ज्योतिषी आया था, वो बाबा की झोपड़ी से लेकर के शांति स्तंभ तक चला, कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत कोई बड़े व्यक्ति का ये स्थान है जहाँ से आप लोग आते जाते हो। बहुत खुशी में कहा बहुत 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 आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप सदैव बाबा को याद करके और ऐसे चलते रहो। चल ही रहा है, बाबा करा ही रहा है, हमारे करने की क्या बात, बाबा करा रहा है ना, बाबा यज्ञ को चला रहा है। दीदी है दादी नहीं है, दीदी नहीं है तो बाबा चला रहा है, अभी भी तो बाबा चला रहा है ना। मैं तो कहेंगी सभी आकर के ये ज्ञान सुने और इस चीज को समझे कि क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या है ड्रामा, क्या है, ये बातें आकर के समझे तो उन्हों की भी तो जीवन बन जाएंगी ना।